वहीं विदिशा के सुरौन क्षेत्र के 15 गांवों में बीते 2 दिन से तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। वहीं ओलावृष्टि के बाद से प्रशासन सर्वे में लगा हुआ है, लेकिन किसान इस सर्वे से संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर 5 गांव के किसानों ने बसुदा रोड पर चक्का जाम कर दिया। और इस दौरान किसान नेता जो सुरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा नष्ट फसलों का सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। वहीं जाम की सूचना मिलने पर तत्काल तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाइश देकर जाम को खत्म कराया। देखिए, आज से 2 दिन पहले भयंकर ओलावृष्टि ये 7-8 गांवों में हुई थी, जिसमें ग्राम इकोदिया, ग्राम बनिया ढाना, चंदा ढाना, बेरखेड़ी, चक चंदा ढाना, देहरी, आजमनगर, इन गांवों की फसल संपूर्ण नष्ट हो गई है। किसानों की सरसों, किसान का धनिया, किसान की मसूर, चना, गेहूं, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सर्वे के लिए हमने शासन द्वारा दल गठन कर दिया है, जिसमें पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, GRS और कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सर्वे किया जा रहा है। आज से प्रारंभ हो गया है, सभी पटवारी गांव-गांव जा चुके हैं। और आपको बता दें, अब इन किसानों ने जो सर्वे कार्य हुआ है उस पर नाराजगी जताई है, क्योंकि इनके अनुसार जो सर्वे हुआ है उसके कहीं ज्यादा उनकी फसल खराब हुई है और सर्वे का कार्य सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने, इन किसानों ने चक्का जाम कर दिया। उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिक जानकारी के साथ रिंकू जुड़ गए हैं, सहयोगी रिंकू। तकरीबन कितने गांव या कितने किसानों की फसल ऐसी है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और सर्वे कार्य ऐसा क्या उसमें किया गया, क्या खाना पूर्ति प्रशासन के द्वारा की गई, जिससे किसानों ने चक्का जाम किया और नाराजगी जताई? जी जी, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि सरोज तहसील के लगभग 5 से 6 गांव, इकोदिया, बनिया ढाना, चंडा ढाना, बरखेड़ी, आजमनगर, देरी, मतलब इन गांवों में लगभग 70-80% नुकसान हुआ है। और किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति की गई है। प्रशासन ने जब ओले वृष्टि हुई उसके अगले दिन सुबह जाकर प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो उन्होंने नेत्रांकन सर्वे की रिपोर्ट जारी की, उसमें लगभग 30-40% मुआवजा देने का उसमें वो करा था, 30-40%। लेकिन जब धरातल पर हमारे द्वारा देखा गया है तो उसमें लगभग 70-80% किसानों का नुकसान हुआ है, और जिसमें सरसों, मसूर, चना, धनिया, गेहूं की फसल पूरी तरीके से कुछ गांवों में नष्ट हो चुकी है। ठीक है, सर्वे का कार्य हालांकि बहुत जल्द नहीं होता है, अक्सर प्रशासन के द्वारा ये देखने को मिलता है, लेकिन ज़रूर यहाँ पर शुरुआत बहुत जल्दी कर दी गई। अगर आज ओले पड़े तो कल सर्वे का कार्य कुछ कुछ जगहों पर हुआ है, ऐसे में सर्वे से किसान खुश क्यों नहीं है, कहाँ अनियमितता बढ़ती जा रही है? सर्वे से किसान इसलिए खुश नहीं है, उसमें क्या है कि प्रशासन ने जो नेत्रांकन के आधार पर जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें 30-40% मुआवजे की उसमें वो था प्रावधान था, लेकिन किसानों का कहना यह है कि पूरी तरीके से फसल नष्ट हो चुकी है और 70-80% जो नुकसान हुआ है उसको लेकर किसान नाराज है कि प्रशासन द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है ये बिल्कुल गलत है, किसानों को सीधा आरोप है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जब ये जाम खुलवाया गया प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया है इन किसानों को? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे और उस सर्वे, वही सर्वे रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट होगी और ग्राम पंचायत में उस सर्वे रिपोर्ट के लिए चस्पा कर दिया जाएगा। किसानों ने इस आश्वासन पर सहमति जताई है, 8 से 10 दिन के अंदर मुआवजा आ जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी रिंकू, जिन्होंने ये जानकारी दी कि जो किसान हैं वो उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है, कुछ ऐसे किसान हैं लेकिन सर्वे का कार्य सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया गया जिससे वो नाराज़ दिखे, लेकिन हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो 10 दिन के अंदर और सर्वे किया जाएगा वो आखिरी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही मुआवजा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन के द्वारा फिर से इतिश्री की जाती है, वाकई जो सही तरीका है सर्वे करने का, या किसान जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं उन्हें भी राहत पहुँचाई जाती है।